हे गाइस, वेलकम टू एटमिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं लार्ज साइज डॉग बीट के बारे में। अगर आप लार्ज साइज के डॉग बीट घर में रखना चाहते हो या फिर लेना चाहते हो, तो ऐसे कौन कौन से डॉग बीट है जो कि आप ले सकते हो और वो लार्ज हो। तो आज मैं कुछ आपको 5-6 ऐसे लार्ज डॉग बताऊँगा जो आप आसानी से रख सकते हो। ये डॉग बीट रखने में भी किसी लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे डॉग बीट लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े डॉग बीट है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लार्ज साइज़ के डॉग बीट लाने की सोच रहे हैं या फिर लाने का प्लान कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या दिक्कत भी आ सकती है। अगर उस प्रॉब्लम को उसको आप फेस करना चाहते हो, फेस कर सकते हो और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, तो फिर आप ला सकते हो। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, मैं आगे आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो जो हमारा फर्स्ट डॉग ब्रीड है वो है ग्रेट डेन। ग्रेट डेन आपको इसके नाम से आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा डॉग ब्रीड बड़ा है और इसको कहीं ना कहीं आपने ज़रूर से देखा होगा, डॉग शोज़ में देखा होगा या फिर कहीं कहीं जहाँ पे डॉग मेला होता है, डॉग को जैसे कि सोशलाइजेशन करवाते हैं, तो वैसे टाइप में जो है ग्रेट डेन को आपने ज़रूर देखा होगा। हालांकि ये जो है रेगुलर बेसिस पे जैसे डॉग दोपहर के टाइम पे जाते हैं, शाम के टाइम पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, वैसे टाइम पे आपको ग्रेट डेन देखने को नहीं मिलेंगे। ये ज़्यादातर के आपको बैठे हुए या फिर वॉक पे ले जाते हुए या फिर शाम के टाइम पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन डॉग बीट की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। ये काफ़ी लार्ज टाइप के डॉग बीट होते हैं, इसलिए ऑनर इनको ज़्यादा रिस्की पोजिशन पर नहीं जाता, जैसे शाम के टाइम पर ज़्यादा करके कोई होता नहीं है तो आराम से ये उनको वॉक पर ले जा सकते हैं या फिर घुमाने ले जाते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि हमारा घर 2 BHK 3 BHK और हम इसे रखें, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ग्रेट डेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा डॉग ब्रीड है। शुरुआती टाइम पे आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जैसे जैसे उसकी साइज़ बड़ी होगी, जैसे वो बड़ा होता जाएगा, वैसे टाइम पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम आती रहेगी। इसलिए आपका घर बड़ा है या आपके घर के आसपास बैकयार्ड है या फिर खुली जगह है, तो ऐसे सिचुएशन पर आप ग्रेट डेन जो है आसानी से रख सकते हो। ये काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, लविंग नेचर के होते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे कोई मेहमान वगैरह आता है तो ये डॉग ब्रीड को देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि इनके साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, ये सेकेंड लार्जेस्ट डॉग ब्रीड माने जाते हैं। तो अगर कोई अच्छा आपको सोशलाइज डॉग किया हुआ हो या फिर मेहमान पहले मिल चुका है ऐसे डॉग से, तो उनके साथ ये घुल मिलता है, वरना आपको उसको अलग एक रूम में बिठाना या शिफ्ट करना पड़ सकता है। इन डॉग ब्रीड की हाइट की बात करें तो 30 से लेकर 35 इंच तक इनकी हाइट होती है, और वेट की बात करें तो 52 से लेकर 82 kg तक का इनका वेट हो सकता है। तो जो हमारी फोर्थ नंबर की पोजीशन पे आते हैं वो है डॉबरमैन। गाइस, डॉबरमैन काफ़ी ज़्यादा अच्छे डॉग ब्रीड होते हैं, फर्स्ट टाइम के लिए भी सही है और सेकेंड टाइम डॉग ओनर के लिए भी सही है। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि ये फर्स्ट टाइम के लिए नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, बट बहुत सारे डॉबरमैन ऐसे हैं जो काफ़ी फ्रेंडली है, अच्छा वॉच डॉग है, अच्छा गार्ड डॉग है, क्योंकि ये इनका जो मेन पर्पज़ है वो गार्डिंग के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, इसलिए एक अच्छे गार्ड डॉग भी माने जाते हैं। हाँ, इनकी साइज़ बड़ी होती है, पर इतनी बड़ी भी नहीं कि आप 3 BHK या 4 BHK में इन्हें नहीं रख सकते। वैसे अगर आपके हाउसेस है तो आप आराम से इसे रख सकते हैं, बट आपको डेली वॉक पे ज़रूर से उनको ले जाना पड़ सकता है। इनकी बॉडी काफ़ी स्लिम होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ब्रीड है। आपको अलग अलग कलर में भी ये डॉग ब्रीड मिल जाएगी। इन डॉग ब्रीड को जैसे कि आर्मी पुलिस में काफ़ी ज़्यादा पहले से यूज़ करते और आज भी यूज़ करते, चाहे फॉरेन की पुलिस हो या फिर इंडिया की पुलिस हो, वो इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन डॉग ब्रीड की हाइट की बात करें तो ये आपको 22 से लेके 25 इंच तक इनकी हाइट होती है, और वेट की बात करें तो 40 से लेके 45 केजी तक भी, यानी 45 केजी तक भी इनका वेट होता है। और गाइस, इन डॉग ब्रीड को पहले से आप सोशलाइज या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेनिंग ज़रूर से कराएं, ताकि ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। पहले से काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल रखिएगा, बाकी डॉग के साथ घुल मिल के रखिएगा, जिसके कारण ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा डॉग बना रहेगा। तो जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड है हमारा वो है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड आपने देखा होगा कि ये काफ़ी लार्ज साइज के डॉग ब्रीड भी होते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से आप इनको डाइट फॉलो करते, अच्छे से केयर करते, तो इनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे कि चैम्पियन लाइन के आपने जर्मन शेफर्ड देखे होंगे जो बाहर से इंपोर्ट कराते हो, वो काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं, उनकी हाइट बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होती है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लगते हैं, बट इतने भी बड़े वो नहीं लगते कि आप फ्लैट या फिर अपार्टमेंट में उसे नहीं रख सकते, आप इजीली रख सकते हैं। ये डॉग ब्रीड भी लविंग नेचर के हैं, अपने ऑनर के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये अच्छे वॉच डॉग भी होते हैं, गार्ड डॉग भी होते हैं, और आप फ्रेंडली डॉग भी इन्हें बना सकते हैं। आप इन्हें छोटे बच्चों के साथ भी आराम से रख सकते हैं, बट ध्यान रखना सोशलाइज और ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत होती है इन्हें भी।
ये सबसे ज़्यादा फेमस डॉग ब्रीड है, आपको इंडिया में कहीं भी मिल जाएगा। इनका प्राइस भी आपको बता दूँ, जैसे कि 12,000 से लेकर 18,000 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपको टॉप क्वालिटी का चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत महंगा और भी मिल सकता है। तो गाइस, जैसे अगर आप बड़े ब्रीड या फिर मोटे डॉग रख रहे हो तो एक बात आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसके ऊपर आपको पैसे भी काफ़ी ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं, आपको स्पेस की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कभी आप बाहर जाते हो तो उस टाइम पे आप नेबर के पास से नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई घर पे एक आधा पर्सन होना ज़रूरी है। तो अगर आप ये सब कुछ कर सकते हो, ये सब कुछ देखभाल कर सकते हो, पैसे अच्छा खासा आपके पास बजट है, तो फिर ये आपके लिए डॉग बड़े डॉग सही रहेंगे। तो जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड हमारा आता है वो है सेंट बर्नार्ड। गाइस, ये डॉग ब्रीड काफ़ी लार्ज और मोटे टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं, दिखने में भी काफ़ी क्यूट और अच्छे लगते हैं। ये फ्रेंडली जो डॉग ब्रीड होते हैं वो कैटेगरी में आते हैं, इसलिए कोई दिक्कत या फिर एग्रेसिव नेचर का ऐसा नहीं कुछ। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और लॉयल टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं, अपने ऑनर के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं। हाँ, ये काफ़ी बर्फीले इलाकों में, ठंडी के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो तो अवॉइड कीजिए इन डॉग ब्रीड को रखने को। इन डॉग ब्रीड का जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है, खास करके उनके खाने पे, बाल पे, और उनको प्रॉपर तरीके से रखने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ सकता है। और गाइस, इनकी प्राइस की बात करें तो ये आपको जैसे कि 25,000, 30,000, 40,000 या 50,000 के आसपास भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का आप ले रहे हो और कैसे ले रहे हो। अगर इसको लो प्राइस में आप लेना चाहते हो तो भी बहुत सारे ब्रीडर आपको सेल करते हैं, बट उनकी क्वालिटी या फिर उनको प्योरनेस आप बता नहीं सकता। वो मिक्स डॉग ब्रीड निकल सकता है या फिर और भी कोई डॉग ब्रीड निकल सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रीडर से ले रहे हो, अच्छे ब्रीडर से ले रहे हो या फिर किसी और के पास से ले रहे हो जिनके आपके पास ट्रस्ट ना हो, कुछ ना हो। ऐसे ब्रीडर से आप ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये डॉग ब्रीड को रखने के लिए आपको 3 BHK, 4 BHK अगर आपका घर हो तो अच्छा रहेगा। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का घर हो तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बैकयार्ड हो या आप कहीं विलेज में, गांव में रहते हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और आप इन डॉग ब्रीड को हैंडल करना जानते हो तो ही आप जो है इन डॉग ब्रीड के साथ जा सकते हो, क्योंकि इन डॉग ब्रीड को हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस की सख्त ज़रूरत होती है। तो गाइस, जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड आता है वो है बुल मैस्टिफ डॉग ब्रीड। ये काफ़ी लार्ज और तगड़े टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं और इन्हें रखने के लिए, इनको संभालने के लिए काफ़ी हट्टी कट्टे बॉडी की ज़रूरत होती है। और आपको बता दूं, इंडिया में अगर आप इसे कहीं भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड लगेगी, क्योंकि जल्दी से इंडिया में किसी के पास ये डॉग ब्रीड नहीं होती। गाइस, इन्हें अगर आप प्रॉपर तरीके से सोशलाइज करते हो तो ये काफ़ी अच्छे से और शांत स्वभाव से रहते हैं, आसानी से किसी के साथ भी मिल सकते हैं। बट ध्यान रखना, इनको अगर पहले से सोशलाइज ट्रेनिंग नहीं करोगे तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं। कई कई यहाँ पर डॉग शोज़ में जाओगे तो आपको ये डॉग ब्रीड ज़रूर से देखने को मिलेगा। इन डॉग ब्रीड के मेंटेन ऊपर, मतलब जैसे खाने के ऊपर, उनके डाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं और आप अच्छा एक लार्ज साइज़ का डॉग ब्रीड चाहते हो तो आप इसके साथ जा सकते हो, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है साइज़ में या फिर घर के हिसाब से या फिर पैसों के हिसाब से, तो आप इन डॉग ब्रीड के साथ जा सकते हैं। तो ये तो हो गए लार्ज साइज़ के डॉग ब्रीड। अगर आपको और एक डॉग ब्रीड चाहिए तो आप डेलमेशियन के साथ भी जा सकते हैं। ये डॉग ब्रीड भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आपको इन देख सकते हैं, वाइट और ब्लैक धब्बे आपको देखने को मिलेगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी डॉग ब्रीड होती है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट डॉग होती है, काफ़ी लविंग नेचर की होती है। बहुत सारे पिक्चर मूवीज़ में भी इन डॉग ब्रीड ने काम किया है और बहुत सारे लोग इंडिया में इसे रखते हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और इनके ऊपर ज़्यादा केयर आपको करनी पड़ सकती है। सो गाइस, ये थे हमारे जो 5 या 6 डॉग ब्रीड बोल सकते हो जो लार्ज टाइप के। आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।